हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो दोस्तों। ये वीडियो CEX एक्सचेंज के ऊपर है जिसमें न्यू अपडेट आया हुआ है। सब ने वीडियो को अच्छी तरह देखना है, उसमें मैं आपको डिटेल के साथ सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इस तरह बताऊंगा जिस तरह आपको किसी ने भी गाइड नहीं किया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके इसको ज्वाइन कर ले सब लोग, ठीक है। यहाँ पे जो भी अपडेट होता है मैं यहाँ पे आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो सब लोग आके इसको ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे जो न्यू भी यूज़र है, अगर आपने CEX एक्सचेंज इसको अगर आपने ज्वाइन भी करना है तो आपने मेरे चैनल पे आके यहाँ पे ये थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे क्लिक करें, यहाँ पे सर्च पे जाए, यहाँ पे आपने CEX लिख दे, CEX.io, ठीक है। इसको आप लोग सर्च कर ले इस तरह, तो आपको कोई भी पोस्ट आ जाएगा, ये वाला, अभी ये वाला पोस्ट देखे, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट अभी जो मेरे चैनल के ऊपर पड़े ये आपको आ जाएगी, ये आपको पेखला वाला पोस्ट आएगा, वन ऑफ छः, ठीक है। टोटल छः पोस्ट इसके ऊपर मैंने किए। इसको मैं ऊपर करता हूँ, ये मैंने किसी और का वीडियो उठाया था, मैंने आपको क्लियर बोला था, ठीक है, कि ये किसी और का वीडियो है, लेकिन अच्छा वीडियो बनाए आपने CEX एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा CEX का, ठीक है। तो हम ओपन करते हैं CEX लिंक, ये लिंक है उसका, मैं डायरेक्ट इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये जिस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका जो इंटरफेस है ये चेंज हुआ है, ठीक है। एक तो ये अभी देखिए, यहाँ पे आपको क्लेम मिल जाएगा, ये BTC है, ठीक है। से मैं स्टार्ट करूँगा, ये BTC है, ठीक है, इसका जो न्यू अपडेट है, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है, डिटेल के साथ मैं बता आपको सब कुछ गाइड करूँगा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट क्लेम आ जाएगा, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। ये BTC जो है ना, ये यहाँ पे आपके माइन होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करें ना, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे कॉइन, ये एक आपके पास कॉइन है, ठीक है, ये माइनर पावर है, ठीक है, ये BTC है, क्रिप्टो है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये बिटकॉइन रेट, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ इस पर आपने काम किस तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये टेप टेप वाला है, ठीक है, टेप टेप अगर आप करते हो, मैं इसका वॉइस यहाँ से ये ऑफ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बूस्ट जो है ना, ये बूस्ट अभी इसके ऊपर नहीं होते, थोड़ा सा इस पर मतलब है, तो आप इसके टेप टेप यहाँ से ज़्यादा करें, ये नीचे इसका बूस्ट है अगर आपको मतलब ओपन है, ठीक है। तो ये टेप टेप अभी मैं अगर करता हूँ, मेरे पांच पांच टेप है, ठीक है। अभी आपने अच्छी तरह वीडियो को देखना, ये आप देख ले, यहाँ पे मेरा जो पावर है CEX, ये जो एक्सचेंज का कॉइन है, आपको डायरेक्ट मिलता है CEX कॉइन, ये अभी एक आपके पास ये कॉइन है, एक कॉइन है, ये आपको कॉइन मिलता है, ठीक है। ये जो है ना, ये वाले आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप टेप टेप भी करते हो ना, ये आपको ये वाले पॉइंट्स मिलते हैं, समझ गए बात को। और यू इसके बाद आपको एक ये BTC मिलता है। अभी आपको मैं समझाता हूँ कि ये अभी आपका जो मेन माइनिंग होगा, यहाँ पे टेप टेप पे आपको ये पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ये वाले, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे ये वाले पॉइंट जो है ना, ये वाले, ठीक है, ये पावर, ये जो पॉइंट्स है, इस पे आपने यहाँ पे माइनिंग पे जाना पड़ेगा, ये माइनिंग जो लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये BTC का जो पर आवर स्पीड है ना, इसको आपने इंक्रीज करना होगा, समझ गए। तो जितना आपका पर आवर स्पीड इंक्रीज होगा, तो उसके मुताबिक आपको जो BTC मिलते रहेंगे, वो यहाँ पे आपके BTC काउंट होगे, यहाँ पे आपके टोटल पड़े होगे। अभी मेरे पास 27.91 BTC है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जब आप इस पे अभी चले जाओगे ना, ये अभी मेरे पॉइंट्स यहाँ पे टोटल पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं माइनिंग पे यहाँ पे चले जाओ ना, ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख ले, ऊपर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको जो CEX पॉइंट है, CEX पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जो मैंने अपना एक्सचेंज इसके ऊपर बनाया है, ठीक है। मैं एक्सचेंज पे चलता हूँ, ये ऊपर आप देख ले CEX.io, जो मेरा एप्लीकेशन है, मतलब ये एक्सचेंज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले कमिंग सोन पे, तो यहाँ पे भी मेरे पॉइंट्स आए हुए, इसको मैंने लिंक किया हुआ है उनके साथ, यहाँ पे वो सेम पॉइंट्स से, है 6,25,091, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी आप देख ले मेरे वही पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये 6,25,091, ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है, आपने यहाँ से ये जो नीचे कार्ड है ना, ये पावर कार्ड है, ठीक है, ये पावर है, ये है, इनमें सब जिस तरह हेम्स्टर वाला कोई और है, ठीक है। तो ये स्पेशल कार्ड है, ये यहाँ पे अगर आप आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ये कार्ड आपके पास ओपन हो गए। जो ओपन नहीं होगे ना, मतलब कोई अगर इसमें से ऑफ है, अभी ये वाला ऑफ है ना, सेम ये वाला लॉक है मेरा, तो यहाँ पे आपको लेकर होगा डेटा सेंटर लेवल 3, मतलब डेटा सेंटर लेवल का जो है, उसका लेवल आपने जब 3 पे लेके जाओगे ना, तो ये आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेटा सेंटर लेवल को ढूंढना है कहीं पे, ठीक है, अभी ये वाला है डेटा सेंटर लेवल, ये वाला, ठीक है। तो अभी मैं इसको अनलॉक भी करूँगा आपके सामने। तो आपको इसके ऊपर क्या मिलेगा, अभी जो यहाँ पे ये कार्ड आप बाई करोगे ना, ये मतलब जो ये पावर है, तो इसके साथ एक तो आपको ये BTC का पावर आपका ज़्यादा होता रहेगा,
समझ गए बात को, और दूसरा आपके जो पॉइंट्स है ना ये भी आपको मिलते रहेंगे, समझ गए। तो फिर ये BTC जो है ना ये आपने यहाँ पे कन्वर्ट जो ऑप्शन है ना ये वाला, इस पर आपने कन्वर्ट करना है CEX पॉइंट पे, ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, मैं सब कुछ अभी करता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो ये वाला कार्ड जो है आपको मैं लॉग भी करता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये कार्ड है इसका लेवल 2 है, लेवल 3 पे मैंने लेके जाना है। इस पे कितने पॉइंट्स लगेंगे, 10,400 पॉइंट्स लगेंगे। जब इस पे आप क्लिक करोगे ना, अभी आपको यहाँ पे दो पावर मिलेंगे, एक तो ये CEX जो कॉइन है ये आपको मिलेगा 4,300, और दूसरा आपका जो BTC पर हावर स्पीड है ना 0.007 समथिंग, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ। ये ऊपर आप देख ले, अभी यहाँ पे अभी आप आ जाए यहाँ पे, अभी देखिए एक तो ये CEX जो है 4,300 ये आपके आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो माइनिंग स्पीड है ना ये भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ उसी कार्ड के ऊपर, वो अभी अनलॉक होगा। ठीक है, ये वाला है शायद, ठीक है ये वाला, अभी इसको आपने अनलॉक करना है, ये आपने बार बार करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फिर अपग्रेड करता हूँ, ठीक है, और भी अपग्रेड करता हूँ। यहाँ पे आप देख लेके आपको मतलब कितने CEX कॉइन मिलते हैं, कितना BTC का प्रॉफिट पर हावर ज़्यादा होता है, और आपसे कितने पॉइंट्स कटते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ। इस तरह आपने इस पे काम करना है बाकी। ठीक है, यहाँ पे पावर पे आके जो भी आप कार्ड आपके पास ला के उसको अनलॉक करें, उसको बस ये करें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, कन्वर्ट पे जाके यहाँ पे ये कन्वर्ट जो लेकर गया है ना, ये वाला कन्वर्ट जो लिखा है, कन्वर्ट पे आपने जाना है। कन्वर्ट पे जाके ये BTC का जो रेट है ना अभी, ये मतलब आपका जो यहाँ पे आप ये अभी टोटल BTC बैलेंस मेरे पास जो पड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अभी इस पे क्लिक करोगे, मतलब मैं यहाँ पे देता हूँ। अच्छा, मैं एक और भी बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे वर्क पे मैं जाता हूँ, ये आपका जो लेवल है ना अभी, अभी मेरा लेवल 6 है, ये भी अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए लेवल 1 आपको लेकर गया, लेवल 2, लेवल 6, अभी मैं लेवल 6 के ऊपर हूँ। जब मैं लेवल 7 पे जाऊँगा ना, तो मेरे पास इतने पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरह लेवल 8 पे ये पॉइंट्स जो पॉइंट्स है, कॉइन की बात में CEX का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट्स की। ठीक है, तो अभी मेरे पास इतने पॉइंट्स है, अभी मेरा यहाँ पे आप ये देखें इतना सही गया है मेरा जो मेन यहाँ पे लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अभी इसको यहाँ से कन्वर्ट करोगे, तो ये पॉइंट्स आपके ज़्यादा होते रहेंगे। जो BTC को आप यहाँ से कन्वर्ट करोगे ना, उस पर आपको ये पॉइंट्स मिलते रहेंगे। इस पॉइंट्स के साथ आपका एक तो लेवल बढ़ेगा, और दूसरा फिर AC लेवल से, ये वाले जो पॉइंट्स है ना AC से, आपने यहाँ पे माइनिंग पे जाके अपना जो स्पीड है ना उसको, जो लेवल है उसको अपग्रेड करते रहे, आपको CEX भी फ्री में मिलेगा, और BTC का प्रॉफिट पर हावर भी ज़्यादा होगा। समझ गए बात को। तो मैं अभी कन्वर्ट पे जाता हूँ वापस। कन्वर्ट पे जाके अभी ये BTC का रेट है अभी जो चल रहा है, ठीक है, 62,000 समथिंग जो भी है। ठीक है, अगर ये अभी आप कन्वर्ट करोगे ना, तो ये इस रेट पे कन्वर्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि मतलब BTC का रेट जब 70,000 पे जाए, तो एक BTC पे यहाँ पे अभी एक BTC पे आपको ये जो है ना ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे आपने लिखना होगा, अभी मैं 10 BTC को कन्वर्ट करता हूँ, 10 को नहीं मतलब 20 को मैं करता हूँ। ठीक है, 20 BTC या मतलब मैं 30 को करता हूँ ताकि ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अभी मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है, तो मैं 25 को करता हूँ, तो 25 BTC पे मुझे ये पॉइंट्स मिलेंगे, ये वाले पॉइंट्स जो है ये पॉइंट्स है। ठीक है, मैं कन्वर्ट पे आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, कन्वर्ट पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आपने फिर कन्वर्ट पे क्लिक कर, इसको कन्फर्म करना है। ठीक है, तो ये आपका आपके पॉइंट्स यहाँ से कन्वर्ट हुए। आप ऊपर अपना बैलेंस अभी देख ले, यहाँ पे BTC का सॉरी यहाँ पे अभी देखे मेरे पास 3 BTC रह गए, और मेरे पास बैलेंस जो है इतना हुआ। मैं वर्क पे चलता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखे मेरा लेवल भी इसके साथ बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, और मुझे ये पॉइंट्स भी मिले इसके ऊपर। समझ गए, ये पॉइंट्स भी मुझे मेरे ज़्यादा हुए। अभी आपने फिर वापस जाके माइनिंग पे जाके ऐसे पॉइंट से आपने क्या करना है, उप्स इस पे ऊपर ये आता है, आपने ट्राई अगेन पे क्लिक करना है। ठीक है, एक तो जो VPN आपका नहीं चलता है, मैं आपको एक VPN बताता हूँ, वो आप लोग डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। ठीक है, तो फिर वर्क आपका करेगा। ठीक है, ये अभी देखे मतलब ये BTC 4 खबर के लिए, मतलब जो है इसका माइनिंग आपको फ्री में मिलते रहेगा। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अभी यहाँ पे जब बाकी जो लेवल वाले पॉइंट्स है वो जब आपके पूरा हो जाएंगे ना, यहाँ पे अगर आप जाए, ठीक है, ये वाले पॉइंट जब आपके साथ पूरे हो जाएंगे ना, तो आप लेवल 7 पे चले जाओगे। ठीक है, तो एक तो आप इसको टेप टेप से भी कर सकते हो, टेप टेप वाली बहुत ही लंबी चौड़ी बात है। ठीक है, उस पर इतना हम नहीं बढ़ा सकते। तो आपने ऐसे पॉइंट से अभी वापस आपने यहाँ पे माइनिंग पे जाके आपने अपने कार्ड को अपग्रेड करना है, बार बार करते रहे, इसको बिल्कुल ख़त्म किया करें। ठीक है, यहाँ से अपग्रेड करें। ठीक है,
यहाँ से भी करें इसको अपग्रेड करते रहे, ठीक है इस तरह। तो फिर वर्क पे जाए, ठीक है यहाँ पे, मतलब आप फिर बाद में करें। अभी देखिए मेरा BTC का स्पीड 0.05 से 6 पे चला गया। तो इसको आपने यहाँ से जो भी आपको आपको मिलते रहेंगे, आप फिर जाके इसको यहाँ से कन्वर्ट करें, आपको ये पॉइंट्स मिलते रहेंगे, आपका लेवल बढ़ता रहेगा, और यहाँ से जाके इसको फिर BTC को चेंज किया करें इसी पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, समझ गए बात को। बस यही अपडेट है, बाकी अगर टास्क पे जाए यहाँ पे अगर कोई नया अपडेट है, मतलब ये वॉच वीडियो अगर ये आप देख सकते हो, इस पे आपको ये CEX पॉइंट मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ है, ये आपने गेट इसका जो टास्क है ये अगर आप कर सकते हो ये भी करें, ठीक है, तो ये वाले भी करें, ठीक है। बाकी अगर कोई अपडेट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बताऊंगा। तो स्क्वाड पे जाके अपने जो स्क्वाड है उसको क्लेम किया करें। अभी ये मेरे माइनिंग से, मतलब जो मेरा स्क्वाड है यहाँ से आए, यहाँ पे ये मेरे अभी 12 मतलब इसके ऊपर रेफरल है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी क्या है इसमें, इंशाल्लाह बाकी कुछ रेख तो नहीं गया, मैंने अच्छी तरह आपको गाइड किया। तो एयर ड्रॉप पे अगर आप क्लिक करें, ठीक है, सॉरी इसको मैं बैक करता हूँ, एक्सचेंज को आपने किस तरह लॉगिन करना है, यहाँ पे अगर टास्क पे आप चले जाओगे तो CEX के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ना, अभी मैंने तो एन के साथ किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट टास्क पे मैं चलता हूँ, वॉच वीडियो टिप कॉइन ये वाले मैंने किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे CEX रजिस्टर करना है उसके ऊपर, फिर यहाँ से आपने उसको लिंक करना है। यहाँ पे अगर आप क्लिक भी करोगे ना, मतलब CEX पे, अभी मेरा यहाँ पे डन है, आपने इस पर क्लिक आप इसके ऊपर करोगे, यहाँ से आपसे पूछेगा कि अपने CEX एक्सचेंज का ईमेल दे दे, जिस ईमेल पे बनाया वो आपने देना होगा। तो इसके साथ डायरेक्ट उसके ऊपर आपके ईमेल पे OTP चली जाएगी, यहाँ से ये कन्फर्म कर लेता है, तो आपका एक्सचेंज और ये एप्लीकेशन आपस में कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर अभी जो आपके पॉइंट्स होंगे ना, डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। ये अभी देखिए ये मेरे पॉइंट्स यहाँ पे पड़े होगे, और ये कमिंग सून पे इसका जब लिस्टिंग होगा ना वो बाद में होगा, ठीक है। तो आपने ये काम करना है, बस अपने इसके ऊपर अकाउंट भी बनाना है, इसको आपस में आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो बस यही वीडियो है इसके ऊपर, बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा ना मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अगर किसी को कोई भी टेंशन है ना तो मुझे बताया करें, इंशाल्लाह अगर आपको कोई मतलब एप्लीकेशन है, क्योंकि कभी कभार मैं खुद भी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो अभी मतलब ये वाले जो आए ना 17 अभी BTC, इसको मैं अभी चेंज करता हूँ, क्योंकि अभी BTC का रेट, ठीक है, ये फिर डाउन हो जाएगा। मतलब ये BTC का रेट अगर 10,000 पे आया ना, तो आपको इसके ऊपर 10,000 पॉइंट ये कॉइन आपका, ये अभी जो चेंज है ना ये BTC के प्राइस के ऊपर ही चेंज मिलता है, ठीक है। BTC अभी मैं इसको भी इसको करता हूँ कन्वर्ट 17 BTC को, क्योंकि अभी इसका रेट ठीक है 62,000 पे, ये फिर डंप हो जाएगा 60,000 पे, फिर आपको कम इसके ऊपर कॉइन मिलेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने किया। अभी ये कहाँ पे देखे, एक तो मेरा लेवल भी बढ़ता है, आपने अपने लेवल को भी बढ़ाना है, इतना आपने काम करना है कि अपने लेवल को भी बढ़ाए और यहाँ पे इसको भी ज़्यादा करें, ठीक है। अपने प्रॉफिट पर खबर टेप कर सकते हो, कर ले, नहीं कर सकते हो इसको छोड़ दे, ठीक है। बस यही काम है, आपने सबने करना है, ठीक है। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, ग्रुप को, टेलीग्राम को, इसको ज्वाइन कर ले, इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।